तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको भी डिस्कस करना होगा मेरे ख्याल से। देखिए अगर कुछ लोगों का इसमें भी शायद है कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को तो मेरे ख्याल से ना इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप ध्यान से देखो। तो ये जो दो स्ट्रेट वायर्स हैं इनके नंबरिंग करो आप, स्ट्रेट वायर 1 देन फिर स्ट्रेट वायर 2 और देन ये सर्कुलर वायर 3। दो स्ट्रेट वायर्स हैं और ये थर्ड वाला एक सर्कुलर वायर है। तो जो दोनों स्ट्रेट वायर हैं वो सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर्स। तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मतलब फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो म्यू नॉट आई ओवर सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 4 पाई कैपिटल आर वाला सेमी इनफाइनाइट वायर्स का। और लिखा भी है क्वेश्चन में टू सेमी इनफाइनाइट सेक्शंस। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ये B1 की वजह से होगा और इसका डायरेक्शन अगर आप राइट हैंड रूल से निकालोगे ना, जो B1 है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालेंगे तो ये आउट ऑफ पेज आएगा। यहाँ पर B2 यानी कि जो सेकंड वाला स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगा और उसका डायरेक्शन अगर हम सेंटर ऑफ सर्किल पर निकालेंगे बाय द राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल से तो सेंटर पर उसकी जो डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड आ रही है। और तीसरा जो सर्किल का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ सर्किल है ना, तो सेगमेंट ऑफ सर्किल का फॉर्मूला ये है म्यू नॉट आई ओवर 2 आर एंड देन थीटा बाई 2 पाई बाय द सेगमेंट ऑफ सर्किल। और ये सर्किल की एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो सर्किल में जो करंट है मतलब थर्ड वायर में जो करंट है ऐसे जा रही है, इसमें फिंगर्स को घुमाओ, फिंगर्स को इसी के अकॉर्डिंग कर्ल करो अपने राइट हैंड फिंगर्स को, तो ये इनवर्ड आएगा है ना। एंड क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो करना है आपको, तो ये B1 प्लस B2 टोटल मैग्नेटिक फील्ड तभी जीरो होगा जब B1 प्लस B2 की वैल्यू और B3 से कैंसिल आउट कर जाए, तब जा करके ये कंडीशन मैच करेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ सर्कल विल बी जीरो, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। बाकी कैलकुलेशन पार्ट अब अपने लेवल पे करोगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें ये जो फिगर है इस फिगर के अकॉर्डिंग फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो इसमें हमारा ये जो लीनियर सेगमेंट 1 सर्कुलर सेगमेंट मतलब एक और लीनियर सेगमेंट 2, दो लीनियर सेगमेंट्स हो गए और प्लस तीसरा हमारा ये सर्कुलर सेगमेंट। तो जो फर्स्ट लीनियर सेगमेंट है मैं एक करके दिखा देता हूँ, एक करके देखो आप। जो फर्स्ट लीनियर सेगमेंट है अगर मैं इसको अलग से डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा यार। फर्स्ट लीनियर सेगमेंट में ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे ना तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो आप यहाँ किसी पॉइंट पर जा करके निकालने चाह रहे हो, ऐसे करके कोई पॉइंट है वहां पर आपको निकालना है इसका आंसर। तो अगर ये ओ पॉइंट है तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला वो वाला लगाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एंड कॉस एल्फा 1 माइनस कॉस एल्फा 2 वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से जब हम B1 को कैलकुलेट करेंगे ना तो इसमें जो D है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेगमेंट 1 के लिए, जो वायर सेगमेंट 1 है उसके लिए पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ये स्मॉल r डिस्टेंस है और ये एंगल दे रखा है हमें अल्फा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D की वैल्यू बनेगी r इंटू कॉस अल्फा, एक तो ये बन जाएगा आपको। और अल्फा 1 अल्फा 2 जो होंगे वो करंट के इनिशियल पॉइंट से, करंट अगर हमारा सपोज करो पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट Q की तरफ जा रहा है तो पॉइंट पी पर डायरेक्शन ऑफ करंट राइट साइड है और पॉइंट पी से पॉइंट ओ को जब आप मिलाओगे उसकी पोजीशन वेक्टर के लिए तो फिर इनके बीच का एंगल बनेगा जो वो अल्फा 1 एंगल है और इन्फिनिटी होने की वजह से अल्फा 1 अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्यू है, वहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट राइट साइड और पॉइंट क्यू से पॉइंट ओ की तरफ जब आएंगे, पॉइंट क्यू से पॉइंट ओ की तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा ये अल्फा 2 एंगल बनेगा जो कि 90 माइनस अल्फा होगा। अल्फा 2 जो है वो हम रखेंगे 90 माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पर तुम्हें अल्फा 1 की जगह 0 डिग्री पुट करना है और अल्फा 2 की जगह पुट करना है 90 माइनस अल्फा और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से D की जगह पुट करना है आर कॉस
अल्फा, तो ये सेगमेंट वन का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और सिमेट्री के हिसाब से सिमेट्री आर्ग्यूमेंट लगाओगे तो इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले लीनियर सेगमेंट बी टू का भी होगा, सेकंड लीनियर सेगमेंट बी टू, बिकॉज सेगमेंट वन और सेगमेंट टू बिल्कुल सिमेट्रिकली हैं विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ, वो वाले पॉइंट से ये दोनों की सिमेट्रिकल लोकेशन है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी दोनों में सेम चल रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट सेगमेंट वन में है वही डायरेक्शन ऑफ करंट टू में भी है, तो वन और टू का आंसर सेम आएगा। और इसको बायर्ड-सेवर्ट लॉ से जब इसका डायरेक्शन चेक करोगे, अगर इसका डायरेक्शन चेक करोगे बायर्ड-सेवर्ट लॉ के हिसाब से, तो ये दोनों फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में आएंगी, इनटू द पेज आएंगी। और तीसरी मैग्नेटिक फील्ड वो जो सर्कुलर सेगमेंट है उसकी लिखोगे, बी थ्री वाली सर्कुलर सेगमेंट की, वो प्रीवियस अभी डिस्कस किया, म्यू नॉट आई बाई टू टाइम्स रेडियस, एंगल जो उसने सबटेंड कर रखा है वो टू अल्फा और डिवाइडेड बाई टू थीटा, बस ये यूज करो, है ना, और ये भी इनटू द प्लेन आएगा, इसको भी चेक करना, ये भी क्रॉस में ही आएगा इनसाइड द पेज। तो बी वन बी टू बी थ्री तीनों को ऐड करोगे ना तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगा जो पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्शंस को लेकर के हो सकता है दिक्कत हो। नेक्स्ट पे थर्ड, ये क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है तो इसको नहीं डिस्कस कर रहे, एंड फोर्थ में इसको एक बार देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो है इसकी भी डिमांड आई है। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको देखो, इसमें क्या हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है, एरडो के अंदर भी है, अगर एक सिमिलर क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा है कि एरडो में भी दिया हुआ है तुम्हें। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, मैं बता रहा हूं आपको, इसको कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड करो, है ना, एक मैं यहां पर लिख रहा हूं सेगमेंट वन, उसके बाद ये सर्किल वाला सेगमेंट टू, उसके बाद एक और सर्किल है जिसका सेगमेंट थ्री, फिर एक और सर्किल सेगमेंट फोर, और फिर एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फाइव, पांच सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको, टोटल फाइव सेगमेंट्स हो गए। जो सेगमेंट वन है उनकी बात करते हैं, और स्ट्रेट यहाँ पर देखो दे रखा है तुम्हें, यहाँ पर ये दे रखा है कि जो स्ट्रेट पोर्शन हैं वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब कि वो सेमी इनफाइनाइट है। तो जो सेगमेंट वन है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अगर हम सेगमेंट वन की बात करें, सेगमेंट वन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, मैं उसके ऊपर वापस कलर चला रहा हूँ रेड कलर, तो सेगमेंट वन एक स्ट्रेट लाइन है, सेमी इनफाइनाइट है, और इसकी वजह से सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे आप, तो सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटू डिस्टेंस आर करके सेगमेंट वन, और इतना ही सेगमेंट फाइव का भी होगा, सेगमेंट फाइव भी सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, तो वो भी म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर होगा, और इनका डायरेक्शन बायर्ड-सेवर्ट लॉ वाले जो मेथड है उसके थ्रू निकालोगे, यानी कि डी एल क्रॉस आर करके, तो ये दोनों के दोनों डायरेक्शन इन टू द प्लेन जाएंगे। सेगमेंट टू एक सर्कुलर सेगमेंट है, तो उसके लिए फिर वही आर्क वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर इंटू, सेगमेंट टू एक क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर सर्किल तो उसका एंगल एट द सेंटर पाई अपॉन टू और डिवाइडेड बाय टू पाई। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो सेगमेंट टू का प्लेन चेक करो आप, जो सेगमेंट टू है अगर फिगर को ध्यान से देखा जाए तो सेगमेंट टू एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ आनी चाहिए, सर्किल की रूल के हिसाब से प्लेन ऑफ सर्किल के परपेंडिकुलर आंसर आना चाहिए, तो ये आंसर हमारा जेड एक्सिस। अब पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा या नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, मतलब ये जो वन और फाइव है ना, ये जो क्रॉस मैंने दिखाया है, क्रॉस का मतलब ये माइनस के कैप है, फाइव वाला भी माइनस के कैप है, सेगमेंट टू भी हमारा जेड एक्सिस यानी के कैप आएगा। अब चेक ये करना है तुमको कि ये प्लस के कैप आएगा या माइनस के कैप आएगा, तो जो करेंट सेगमेंट टू में जो करेंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो फिंगर्स को अगर करंट के अकॉर्डिंग कर्ल करोगे तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ थंब जाएगा, यानी ये भी माइनस के कैप। अब आते हैं सेगमेंट थ्री के ऊपर, सेगमेंट थ्री एक क्वार्टर सर्किल है, तो उसका फॉर्मूला हो गया मी नॉट आई बाई टू आर, और क्वार्टर सर्किल है तो एंगल बाय दैट क्वार्टर सर्किल इज पाई अपॉन टू एट द सेंटर डिवाइडेड बाई ये टू पाई, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेगमेंट थ्री हमारा वाई जेड प्लेन है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वाई जेड प्लेन
इसकी मैग्नेटिक फील्ड वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ आएगी आई कैप। अब प्लस आई कैप या फिर माइनस आई कैप, ये एक पॉइंट है, प्लस आई और माइनस आई। तो फिर आप फिंगर्स को घुमाओगे तो करंट के अकॉर्डिंग, करंट के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरीके से फिंगर्स को अपने बंद करेंगे ना करंट के अकॉर्डिंग, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएगा आंसर, यानी कि माइनस आई कैप। और ऐसे ही सेगमेंट फाइव, लास्ट में सेगमेंट फाइव, तो सेगमेंट फाइव का भी सेम आंसर आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आएगा, जो हमारा थ्री वाले का सेगमेंट आंसर है उतना ही आएगा। मैग्नीट्यूड वाइज मी नॉट आई अपॉन टू आर इंटू पाई बाई टू अपॉन टू पाई, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी, बिकॉज सेगमेंट फाइव जो है, सॉरी सेगमेंट फाइव नहीं, सेगमेंट फोर होना चाहिए ये ना, सेगमेंट फोर। तो सेगमेंट फोर हमारा अगर ध्यान से देखो तो ये जो सेगमेंट है ये जेड एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ, और इसका जब फिंगर वगैरह घुमा के देखोगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस चला जाएगा, यानी माइनस जे कैप। अब इन सबको उठा करके ऐड कर दो, पांचों ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन करेक्ट है आंसर, अब जो भी है मतलब वर्किंग यही है इसकी, ऑप्शन है या नहीं है वो देखेंगे, बट वर्किंग प्रॉपरली यही है इसकी, तीन मैग्नेटिक फील्ड्स माइनस के पर जाएंगी और दो जो है वो माइनस। बच्चा देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा वो हम लोग मैसेज में बात कर लेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू हो जाएगी डिस्कशन फिर अभी, क्योंकि फिफ्थ अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो फिफ्थ में सिंपल सर्किट में सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एमिटर है, वेरिएबल कॉइल रेजिस्टेंस जी, ऑल सीरीज, एमिटर रीडिंग इज प्लॉटेड। तो सिंपल सर्किट है, कंसिस्ट ऑफ द सेल, मतलब एक बैटरी लगा रखी है हम लोगों ने, इसका इसका ईएमएफ होगा प्लस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसके अलावा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर मान लेते हैं, एमिटर लगा दिया इसके अंदर ए विथ अ वेरिएबल कॉइल रेजिस्टेंस जी, मतलब एमिटर का रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल जी है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी, और सब सीरीज में है। तो रीडिंग इसकी पूछी गई है, दैट मीन्स करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट यहाँ पर लिखा जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस एमिटर के कॉयल का रेजिस्टेंस यानी कैपिटल जी, और कैपिटल जी यहाँ पर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो कैपिटल जी की वैल्यू को जीरो करके देख लो, कैपिटल जी को जब जीरो करोगे तो ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का करंट है। तो ये जो थ्री आप देख रहे हो ये बेसिकली ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसमें एमिटर रीडिंग इज प्लॉटेड अगेंस्ट जी, और मेरे ख्याल से इसमें एक्चुअली जी पूछा होना चाहिए, मतलब होना ये चाहिए था कि इसमें जी की वैल्यू क्या होगी, जहाँ तक मेरे को आइडिया लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन हाँ मिसिंग है इसमें, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि जब जी को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाओगे, जी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो करंट जीरो को टेंड कर जाएगा, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है इसमें, सही कह रहे हो आप, फिफ्थ क्वेश्चन में मिसिंग है। सिक्स्थ वाले में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर यार, सर्कुलर फॉर द फाइनाइट लेंथ, और देखिए इसमें सर्कुलर तो होता है, लेकिन सर्कुलर तब होती है जब स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, फाइनाइट लेंथ के केस में सर्कुलर में आंसर नहीं आएगा, फाइनाइट के केस में सर्कुलर नहीं है, इनफाइनाइट वायर के केसेस में हम लोगों ने कहा है कि ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो वो स्ट्रेट वायर अगर फाइनाइट है तो फिर सर्कल आंसर नहीं आएगा उसका, इनफैक्ट सेमी इनफाइनाइट में भी नहीं आएगा, और इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही है। उसके बाद ये है, कौन सा है ये, नाइन्थ, तो इसमें देखो नाइन्थ क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से इसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर लूँ,
सेगमेंट वन और सेगमेंट टू, क्योंकि पॉइंट पी हमारा जो है वो सेगमेंट वन की लाइन में ही है, सेगमेंट वन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कोलिनियर हो गया। तो कोलिनियर वायर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन जीरो आता है हमेशा, बी वन जीरो कोलिनियर के केसेस में। और बी टू निकालेंगे उस फॉर्मूले से, जो बी टू है वो बेसिकली उसी फॉर्मूले से आएगा, मी नॉट आई अपॉन फोर पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एंड देन कॉस एल्फा वन माइनस कॉस एल्फा टू, इससे निकालेंगे बी टू। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, तो ये फिगर अगर अलग से ड्रॉ करके देखूं तो ये कुछ इस तरीके का है फिगर, मतलब ये वायर है और यहां पर कोई पॉइंट पी है हमारे लिए। तो अगर पॉइंट पी हमारे लिए यहां पर है और ये डिस्टेंस आर है, तो सिमिलर कंसेप्ट बार बार यूज हो रहा है। आपको पहले वायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, वायर को एक्सटेंड करोगे पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि डी लेके आओगे यहां पर, और ये 45 डिग्री एंगल है तो डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना, वो सॉल्व करके जाओगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें आर बाय रूट टू। अब अल्फा वन और अल्फा टू की बात करेंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऐसे चल रहा है, तो सबसे पहले इस वाले एंड पे आएंगे वायर के, जो दो एंड पॉइंट्स हैं एंड वन और एंड टू, ये दो एंड पॉइंट्स हैं। तो एंड वन पे करंट की डायरेक्शन और एंड वन से पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर के बीच ये एंगल बना अल्फा वन जो कि 135 डिग्री हुआ, और दूसरे वाले एंड पर डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरे वाले एंड से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर जब मिलाएंगे, वहां से पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे और उसकी पोजीशन वेक्टर मिलाएंगे, तो हमको ये एंगल मिलेगा अल्फा टू, और ये इनफाइनाइट होने की वजह से नियरली 180 डिग्री होगा। तो अब आप अल्फा वन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ 35 डिग्री, 135 डिग्री, और अल्फा टू की वैल्यू 180 डिग्री, और डी की वैल्यू आर बाय रूट टू। अब जो इसके थ्रू आंसर बनेगा वही हमारे लिए सही आंसर है, जो भी बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये करोगे, जल्दी से हिंट कर दें, एट्थ क्वेश्चन में क्या करना है वो बता देते हैं आपको, हिंट कर देते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कुछ एज्यूम करेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वैसे चाहो तो ऑप्शन से भी पता चल जाएगा तुम्हें, लेकिन वैसे सब्जेक्टिवली करने के लिए तरीका ये है कि इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड कुछ एज्यूम करो और फिर एक फॉर्मूला वो लगाओ लॉरेंज फोर्स वाला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, ये यूज करो। तो पहले वेलोसिटी 2i कैप है और फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स के बारे में कह रखा है ये माइनस 4e और j माइनस k। तो अल्फा पार्टिकल में एक्चुअली क्या होता है, अल्फा पार्टिकल है तो ये माइनस 4e j माइनस k, ये आपको फोर्स दे रखा है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस 4e इंटू j माइनस k फोर्स। राइट हैंड साइड पर उसका जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का चार्ज q, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल q, वो टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन वी वेक्टर है 2i कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के। इससे क्या करोगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर करो, लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करके ना तुमको एक इक्वेशन मिलेगी। तो मैं इसको यहीं पर स्किप करूंगा बिकॉज हिंट है कि लेफ्ट साइड भी वेक्टर है राइट साइड भी वेक्टर है, तो कोफिशियंट्स कंपेयर करोगे, मतलब लेफ्ट साइड आई कैप का कोफिशियंट इक्वल टू राइट साइड आई कैप कोफिशियंट, लेफ्ट साइड जे कैप कोफिशियंट इक्वल टू राइट साइड जे कैप कोफिशियंट एंड के कैप वाला। फिर पार्टिकल की वेलोसिटी बदल दी जाएगी तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी, वहां पर नया फोर्स आ गया, वहां पर नया फोर्स यहां पर 2e ब्रैकेट में आई कैप माइनस के कैप है इक्वल टू चार्ज अगेन 2e, नई वेलोसिटी उसकी जे कैप है और क्रॉस द सेम मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो यहां से भी तुम्हें क्या करना होगा, राइट साइड पहले क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, समझे, पहले यहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड के कोफिशियंट्स यानी कंपोनेंट्स कंपेयर किए जाएंगे तो कुछ और इक्वेशंस आएंगी, और उसके बाद जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी उनके थ्रू बी एक्स बी वाई और बी जेड तीनों प्रॉपरली सॉल्व होंगे। तो आइडियल तरीका सॉल्व करने का यही है,
बाकी ऑप्शन आप रख सकते थे कि किसी ऑप्शन में पुट करके देख लेते तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है उससे मालूम चल जाता है। नेक्स्ट नाइन्थ में सेल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टमीटर वी ऑफ वेरिएबल कॉइल रेजिस्टेंस, फिर से एक बार भैया वोल्टमीटर के पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है एंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है तो क्या है यहाँ पर देखो इसमें तो फिगर बना के रखा हुआ इन्होंने, अच्छी बात है। तो 24 वोल्ट की बैटरी 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप है प्लस एक यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अपना कैपिटल जी और ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, कोई रेजिस्टेंस एक्सटर्नली कैपिटल आर है। अब इन्होंने पूछा है द वोल्ट मीटर रीडिंग करेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जी डबल द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी, मतलब कि जी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ आर दे रखी है, इनका कुल मिलाकर ये कहना है कि जी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ आर है। उस टाइम पर वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग होगी, मतलब जिस टाइम पर जी की वैल्यू टू आर के बराबर होगी उस टाइम पर वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगी ये इन्हें जानना चाहते हैं। तो इन जनरल अगर हम यहाँ पर इन जनरल अगर आप करंट सॉल्व करना चाहोगे ध्यान से देखना, तो करंट की इन जनरल वैल्यू होगी 24 वोल्ट का ईएमएफ डिवाइडेड बाय 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है इनका पैरेलल इक्विवेलेंट, तो वो जी इंटू आर डिवाइडेड बाय जी प्लस आर, इतना करंट हमको मिलेगा इन जनरल फॉर्म में, इन ए जनरल फॉर्म। उसके बाद ये जो बैटरी है इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालें, अगर इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, तो जब आप बैटरी से करंट कैलकुलेट कर चुके हो तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ माइनस करंट ई माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो दिस इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज वन, ये एक तरीके से बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है और बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ही रीडिंग है गैल्वेनोमीटर की, इट इज द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि बैटरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बेसिकली, तो इसकी इसकी बात कर रहे हैं वो, ये वी है। अब इसको हम लोग को इसका ग्राफ दे रखा है तुम्हें, तो ग्राफ चेक करो अगर आप, तो ग्राफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जी अगर जीरो है तो आप इसी एक्सप्रेशन में चेक करो ना, अगर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये पूरा टर्म जी आर अपॉन जी प्लस आर ये पूरा टर्म जीरो हो गया और 24 माइनस 24 यानी वोल्टेज जीरो आ गया, इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ग्राफ 20 को टच कर गया। इसका मतलब अगर हम जी इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पर, 20 को जो टच कर रहा है उसका मतलब जी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर ना एक बार आपको देखना पड़ेगा जी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने के बाद वोल्टेज की जो एक्सप्रेशन बनेगी, जी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने के बाद इस वोल्टेज की जो भी एक्सप्रेशन बनेगी उसको 20 के बराबर करना है, मतलब एक तरीके से इस एक्सप्रेशन में एक लिमिट लगा दो, इसमें एक लिमिट लगा दो कि लिमिट जी टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 20 हो गई, उससे क्या होगा आपको ना आर की वैल्यू मिलेगी, उससे तुम्हें आर की एक वैल्यू मिल जाएगी इसकी लिमिट लगाने पर, लिमिट जी टेंडिंग टू जीरो सॉरी जी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू 20 है और उससे तुम्हें आर की एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर जब आर की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कि जी इक्वल्स टू टू आर के बराबर ले लेना होगा तुम्हें, मतलब पहले आर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आर ध्यान दो अननोन है यहाँ, तो पहले आर को इस ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है, जब वो आर कैलकुलेट हो जाएगा लिमिट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है जी इक्वल्स टू टू आर, तो अब इसी एक्सप्रेशन में है ना, इसी एक्सप्रेशन में यहाँ पर जी इक्वल टू टू आर रख देंगे और आर तो ऑलरेडी पता है कि जी इक्वल टू टू आर और आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा, तब जाकर के तुमको वोल्टेज की पूरी रीडिंग आएगी। तो इसको ट्राई करना, हिंट मैंने बताई है, अगर आंसर मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है वो एक सेकेंडरी पार्ट पर रहने दीजिए, बट क्वेश्चंस इसमें बहुत ही अच्छे थे कुछ पेपर में। 10th क्वेश्चन,
ठीक है, मैं जस्ट आपको ना पेपर डिस्कस कर ले रहे हैं। और देखो, इसमें एक सॉलिड कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, उसके अंदर करंट डेंसिटीज की बात की गई है, करंट डेंसिटी जे की बात की गई है, और उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल कैविटी भी है रेडियस आर बाई फोर की, और बाकी सब कुछ दे रखा है। एक्स इक्वल टू टू आर पे बात की है उन्होंने, एक्स इक्वल टू टू आर पे देख रहे हैं प्रथम जी, रुक जाओ, मैंने आंसर का, मैं कह रहा हूँ आंसर का प्रॉब्लम बाद में डिस्कस कर लेना, हो सकता है मेथड ही गलत रहा हो, तो एक बार हमें डिस्कशन सारे क्वेश्चंस का कर लेने दो, फिर हम आंसर में क्या करना है वो देख लेंगे। x इक्वल टू टू आर की बात की है, टू स्मॉल r, अब स्मॉल r क्या है यहाँ पर भाई, है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कि ये स्मॉल r क्या है यहाँ पर, तो ये हमारे हिसाब से स्मॉल r नहीं होना चाहिए यहाँ पर, टू टाइम्स ऑफ स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r तो इस पूरे फिगर में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, है ना, इस पूरे फिगर में कहीं पर भी टू स्मॉल r मेंशन ही नहीं है, तो आई थिंक ये टू कैपिटल r होना चाहिए, टू कैपिटल r, यानी कि सिलेंडर के एक्सेस के बाहर निकालना होगा, है ना, तो ये तो वो लगाओगे सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। सुपर पोजिशन थ्योरम कैसे हो लगाओगे कि आप पहले विदाउट कैविटी की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड विदाउट कैविटी अगर निकाले तो कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कैलकुलेट करें एट एक्स इक्वल टू टू आर, तो उसका लॉजिक तो यही है कि पहले आप मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट करो बाय द कंप्लीट वायर, दैट मीन्स बिना किसी कैविटी के, और माइनस मैग्नेटिक फील्ड बाय कैविटी पोर्शन है, मैग्नेटिक फील्ड बाय द कैविटी पोर्शन, और सब कुछ वेक्टोरियली तरीके से करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंप्लीट वायर जब निकालेंगे और वो भी आउटसाइड पॉइंट पर x इक्वल टू टू आर पॉइंट पर, तो लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई स्मॉल r, तो टू पाई स्मॉल r का मतलब कंप्लीट वायर के सेंटर से और जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वहां तक का डिस्टेंस, यानी कि 2r, और न्यूमरेटर में जो कैपिटल I यानी करंट रखेंगे वो होगा करंट डेंसिटी J और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंप्लीट वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये कंप्लीट वायर का होगा, माइनस अब जो कैविटी वाला पोर्शन है, तो जो कैविटी वाला पोर्शन है अगर उसको अलग से देखा जाए तो कैविटी वाला पोर्शन भी एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस स्मॉल ए है, कैविटी वाला पोर्शन भी एक सिलिंड्रिकल वायर है रेडियस स्मॉल ए का, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए हम लगाएंगे म्यू नॉट, सेम फॉर्मूला, अपॉन नीचे टू पाई, कैविटी के सेंटर से और जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस कैविटी के सेंटर से, तो वो टू आर माइनस स्मॉल बी है, और न्यूमरेटर में इसका करंट जब निकालेंगे तो जे इंटू इसका पाई ए स्क्वायर करेंगे, जे इंटू पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर वाला इससे कर रहे हैं सॉल्व, जो भी डिस्टेंसेस होंगी बस अब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसको ना, बस ये प्रोसेस ये है। अब इसमें ए और बी सबकी वैल्यू यहां पर दे रखी है, ए इक्वल टू आर अपॉन फोर रखना है आपको, ए की वैल्यू आर बाई फोर और बी इक्वल टू आर अपॉन टू रखना है, तो ये दो वैल्यूज वहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है और सब्ट्रैक्ट करके जो भी तुम्हारा इसके अंदर आंसर बन रहा है, ठीक है, वो देखना है मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, बट नहीं भी करेगा तो नन ऑफ दीज कर दिया जाएगा इस ऑप्शन में, मतलब, और अगर ये रेशियो मैच कर रहा है क्योंकि 13/28, 13/56 और 56/13 देख लो सॉल्व करके, अभी करके देख लो हमें आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी अंबर, हो सकता है आंसर ना मैच कर रहा हो, तो 11, अब जैसे भाई प्रथम कह रहे हैं कि 11/48 आ रहा है, तो हो सकता है 11/48 आ रहा हो, मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो नन ऑफ दीज कर देंगे इसका ऑप्शन, ठीक है, इसको नन ऑफ दीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी जस्ट क्वेश्चन देख लो भाई आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आंसर करेक्शन पे मत जाइए, अभी आप लॉजिक दे रखा है तो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ये मतलब 11/48 और 13/56 एग्जैक्टली बराबर हो ही नहीं सकते, तो क्लोज टू हो सकते हैं, वो क्लोज आंसर हो सकते हैं,
वो लॉजिक नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि पार्टिकल सेंटर से पास हो जाए, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला आर्टिकल हो गया, ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से जाएगा तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और ओ पॉइंट से पास होना है इसको। तो ये जो कैपिटल आर है वो सर्किल का क्वाड बनना चाहिए। देखो मैं पहले तो इस सर्किल को पूरा करके दिखाता हूँ, ये जो सर्किल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये एक हाइपोथेटिकल फॉर्म में आप सर्किल कंप्लीट करो, तो ये सर्किल होगा जिसका रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी, रेडियस एम वी बाई क्यू बी होगा, जो उसकी ट्रेजेक्ट्री वाला सर्किल है। ट्रेजेक्ट्री वाला सर्किल का रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी होगा। और देखो इसमें थोड़ा सा आपको ये काम करना चाहिए था, जहाँ पर वो एंटर कर रहा है वहाँ से, जिस पॉइंट पर वो एंटर कर रहा है वहाँ से अगर आप देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, उस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा। तो जब वहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी तो सेंटर ऑफ दैट सर्किल, सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, ये यहाँ कहीं पर लाई कर जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री यहाँ लाई करेगा, और यही रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी होगी। उसी सेंटर को आप पॉइंट ओ से मिला लो और इसके बाद मेरे ख्याल से एक सिंपल सा ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगाओ, अलग से दिखा देते हैं कि एक ये लाइन बनेगी, इधर ओ से इसको मिला दो, ये वो पॉइंट है जहां से वो एंटर कर रहा है और ये चीज़ कैपिटल आर वाली है। ये रेडियस हमारा एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर होगा, इधर भी हमारा रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी है क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक उसकी ट्रेजेक्ट्री वाला रेडियस है। और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे सेंटर से सामने वाली साइड आर के ऊपर, तो ये ना आप प्रूफ कर सकते हो, इसको अपने आप प्रूफ कर सकते हो, अगर ये कि हाँ जी, मतलब ये अपने आप, ये देखो ज्योमेट्री से ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा, ये प्रूफ कर सकते हैं। और फिर हम साइन थीटा लगा देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आर बाई टू डिवाइडेड बाई रेडियस एम बी अपॉन क्यू बी, ये बन जाएगा आपका आंसर, इस तरीके से हो जाएगा। और इससे जो भी आंसर बन जाए, मतलब सी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ये हो जाएगा। ट्वेल्थ में देखिए, पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, पहले स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी टू अ वेलोसिटी वी, तो इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये पहली लाइन की इन्फॉर्मेशन हो गई, टूवर्ड साउथ यानी कि वेलोसिटी साउथ की तरफ है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अब ये थोड़ा सा डायरेक्शन हो सकता है समझने में दिक्कत हुई हो, बट पार्टिकल ट्रेवल्स एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रू दिस रीजन। अब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो हो गया, और नेट फोर्स लॉरेंज फोर्स के हिसाब से क्यू इंटू ई वैक्टर प्लस V क्रॉस B है, तो ये चीज हमारी जीरो है। अब जरा इसमें डायरेक्शन चेक करो क्या आ रहा है, E वेक्टर तो तुमको डाउनवर्ड दे रखा है, E वेक्टर की डायरेक्शन डाउन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इसके अंदर दे रखी है साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है ईस्ट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें कि क्या डायरेक्शन आएगा ईस्ट, मतलब ये जो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक बार जरा डायरेक्शंस को इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से हम डायरेक्शन दिखाने जा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। ये डायरेक्शन हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हॉरिजॉन्टल दिखाओगे, और इसके नीचे की तरफ जैसे ग्रेविटी दिखाते हो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, और ये ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन। ये टोटल थ्री डायमेंशंस हो गए, थ्री डायमेंशंस। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से वेलोसिटी हमारा साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन साउथ की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वी क्रॉस बी, जब निकालेंगे वी क्रॉस बी इसको आप करके देखोगे तो ये अपवर्ड आएगा, वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी,
जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन तो इनके अपोजिट हो गए। अब अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि जीरो फोर्स करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए वी इंटू बी के। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू वी इंटू बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वी इंटू बी, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन से देख लो भाई आपको कौन सा आंसर सही बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन मिला करके ना आंसर मैच करे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स आई वन आई टू लाई इन वन प्लेन, लोकस ऑफ द पॉइंट एट विच द मैग्नेटिक इंडक्शन इज जीरो। ओके, तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर्स हैं ये, देखिए क्या होगा, ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर्स, तो एक ऐसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ और एक ऐसे मान लेते हैं वाई एक्सिस की तरफ, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर्स हो गए। और ठीक है, एक में करंट आप I1 मान लो, यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, और एक में करंट यहाँ पर I2, इसको एक्स वाई प्लेन टाइप मान लो, और कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं जो x, y है, मतलब कि वो वायर 1 से उसका डिस्टेंस y है और वायर 2 से उसका डिस्टेंस कुछ x मान लेते हैं, एक तरफ से y डिस्टेंस और एक तरफ से x डिस्टेंस, मतलब I2 वाली वायर को आप y एक्सिस मान लो और I1 वाली वायर को हम यहाँ पर x एक्सिस मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट P है जो कि कोऑर्डिनेट वाइज x एंड y होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड I2 वायर की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बाय द वायर 2 यानी I2, ये लॉन्ग वायर फॉर्मूला लगाओगे, लॉन्ग वायर फॉर्मूला म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई, और उसका I2 वाले वायर से डिस्टेंस है स्मॉल x, और क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डीएल क्रॉस आर करके, तो डीएल क्रॉस आर करके जब आप निकालोगे तो ये डायरेक्शन पॉइंट पी पर नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ, और वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर अगर हम वायर वन की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये भी इनफाइनाइट वायर वाले फॉर्मूले के हिसाब से म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई वाई होगा, लेकिन इसको जब आप डीएल क्रॉस आर वेक्टर मेथड से करोगे तो इसकी डायरेक्शन ऊपर आएगी। अब जीरो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन दोनों वैक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाना चाहिए, अगर मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है तो फिर दोनों वायर के मैग्नेटिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड पार्ट बराबर आ जाए। अब एक में ये I1 करंट है और एक में ये I2 करंट है, तो मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे ना तो हो जाएगा I1 by x equal to I2 by y। आर्य अनम्यूटेड हो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वैसे ही पूछ सकते हो। I1 by x equals to I2 by y, और यहाँ से हो जाएगा y और x के बीच जो रिलेशन आएगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन रिलेशन, यानी कि ट्रेजेक्ट्री विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधा सीधा y और x का रिलेशन देख लो तो वो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन है जिसका स्लोप I2 by I1 बन जाएगा जीरो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्व करना है, मतलब जो ये होल है इसके सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द होल पॉइंट, तो ये भी उसी मेथड से निकालेंगे, अभी जस्ट सुपर पोजिशन थ्योरम निकाला गया था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे एट सेंटर निकालना है तो ये हो जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट बाय कंप्लीट वायर यानी बिना होल वाला वायर, बाय द कंप्लीट वायर, और माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बाय करंट, एक हाइपोथेटिकल करंट जो उस होल के अंदर मानेंगे, करंट इन द होल। तो अब जो सेंटर वाला पॉइंट है वो कंप्लीट वायर के इनसाइड है, और इनसाइड वाला फॉर्मूला है एक सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड, सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इनसाइड ऑफ सिलेंड्रिकल वायर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट करंट डेंसिटी जे इनटू स्मॉल आर बाय टू, जिसमें स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिलेंडर लेते हो
तो सेंटर ओ से पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर ओ से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो स्मॉल सी ऑलरेडी दिया हुआ है, वो डिस्टेंस स्मॉल सी ऑलरेडी दी गई है। तो स्मॉल आर की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ स्मॉल सी माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बाय द करंट इन द होल। तो ये जरा अलग से चेक करना, जो ये ए रेडियस का होल है, अगर इसके अंदर कोई करंट फ्लो भी कर जाए, है ना, इसके अंदर से मान लो कुछ करंट फ्लो भी करे, तो उसके सेंटर पॉइंट पर तो उसका वैसे भी जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसी भी सिलेंडरिकल वायर का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे तो जीरो ही होगा। तो जितना करंट इस होल के थ्रू पास करेगा, जो करंट इस होल से पास होगा, उस करंट की वजह से पॉइंट सी पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ही नहीं, सेंटर ऑफ द होल होने की वजह से। सेकंड टर्म जीरो हो गया यहाँ पर। अब इसमें सिर्फ जे की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो जे कितना होगा, उसके लिए तुम्हें क्या दे रखा है, करंट आई दे रखा है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन वो जो आई करंट है, वो मतलब उसमें जो एरिया रखेंगे ना, वो टोटल एरिया पाई बी स्क्वायर, और उसमें से होल वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा आपको पाई ए स्क्वायर, क्योंकि इतने एरिया से ही वो करंट आई फ्लो कर रहा है। और अब इसके हिसाब से जो भी हमारा आंसर बने, सेम लॉजिक यहां पर भी यूज होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम यहां पर भी यूज की जाएगी। पॉइंट ए पर, यहां पर भी सेम लॉजिक है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक। पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये दो वायर्स हैं, एक में डॉट और एक में क्रॉस। तो ये जो डॉट वाला वायर है इसको वन कर देते हैं और क्रॉस वाले को टू कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पर, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पर ड्यू टू वायर वन, मैग्नेटिक फील्ड एट वन ड्यू टू वायर वन। तो ध्यान रखो, ए वाला पॉइंट वायर वन के इनसाइड है, इसमें भी सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट जे आर बाय टू, और आर मतलब पॉइंट ए का वायर वन के सेंटर से डिस्टेंस, और पॉइंट ए का वायर वन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डी अपॉन टू है। और डायरेक्शन, क्योंकि करंट जो है इसके अंदर वो डॉट है, यानी बाहर की तरफ है करंट, तो इसका जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करोगे तो ए पर ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। ये थोड़ा सा डायरेक्शन एक्चुअली हमारे लिए पॉसिबल नहीं दिखा पाना तुम लोग को। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए और ड्यू टू वायर टू क्रॉस है, म्यू नॉट जे डी बाई टू अपॉन टू, फॉर्मूला सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वाला लगा रहे हैं, म्यू नॉट। और इसका क्या होगा, देखिए जो वायर टू है, वायर टू का करंट तो अंदर की तरफ है, वायर टू की करंट इनसाइड है, और पॉइंट ए यानी कि वेक्टर आर हमारा इस तरफ है। तो यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट लगा के देखोगे, डीएल क्रॉस आर जो था ना हमारा, तो डीएल वेक्टर तो अंदर की तरफ है और आर वेक्टर लेफ्ट साइड है। तो डीएल क्रॉस आर जब यहाँ पर करके देखा जाएगा तो ये भी चीज ऊपर की तरफ आएगी। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये आंसर जीरो आएगा, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि सब अपोजिट होने की वजह से जीरो हो जाएगा, लेकिन ये हाँ दोनों डायरेक्शंस ऊपर की तरफ आएंगी। तो ये दोनों डायरेक्शंस अब ऐड करना है, और उसके बाद करंट डेंसिटी जे की वैल्यू रखनी है तुम्हें, करंट डेंसिटी जे की वैल्यू पुट करनी है, एंड देन ये आंसर भी। हालांकि आंसर में करंट डेंसिटी जे के फॉर्म में ही दे रखा है आपको, आंसर जो है वो करंट डेंसिटी जे के फॉर्म में ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसका फिगर ही नहीं दिया था, हाँ ठीक है, मैं डिस्कस कर दिया, फिगर नहीं, मैं समझ रहा हूँ। 16th में काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। फोर्स ऑन इररेगुलर वायर में आपसे कहा गया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहा गया था कि वायर की ज्योमेट्री जैसी भी हो, आप फॉर्मूला वहाँ पर ये लगाओगे I इंटू एल क्रॉस बी। और इसमें ये कहा गया था कि जो एल वैक्टर चूज करेंगे वो दोनों फ्री एंडस को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। तो यानी कि हम ए से बी तक की जो लाइन बनेगी ना, ए से बी तक की लाइन, इसको अपना एल वेक्टर कर देंगे, ए से बी तक की लाइन को। और इसके अकॉर्डिंग ए से बी तक की जो लाइन है इसको एल वेक्टर कर दो, और फिर आप फोर्स कैलकुलेट कर दो क्या बनेगा इसमें। मेरे ख्याल से अब ये हो जाना चाहिए, बिकॉज जो एल वेक्टर है वो बेसिकली
देखिए ये टू है ना, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे आपको एक्स इक्वल टू टू रख करके। एक्स इक्वल टू टू रखेंगे जब तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट टू कॉमा टू आ जाएंगे पॉइंट ए पर, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट टू कॉमा माइनस टू हो जाएंगे। तो ए से बी तक की जो टोटल लेंथ है वो उसकी यूनिट तो फोर हो गई और डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप, माइनस फोर जे कैप। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऑलरेडी गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है, ठीक है, और डायरेक्शन इसका जो है इनटू द पेज यानी कि माइनस के कैप है, तो यहाँ माइनस फोर के कैप आ जाएगा, लेंथ की जगह पर माइनस फोर जे कैप, बीच में क्रॉस और बाहर उनका करंट यानी कि 2 एम्पियर। अब इसका जो भी कैलकुलेशन हो वो इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज क्यू एट द ओरिजिन एंड मूविंग इन द वाई डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी जे कैप, चार्ज मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस का फर्क है, ओके। पॉजिटिव वाई के लिए मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है और नेगेटिव के लिए वो इन टू द पेज है। अभी इसमें क्या कंक्लूड किया जाए, ओके है ना, कंक्लूजन क्या होगा, तो देखो कंक्लूजन ऐसा निकालते ना, फर्स्ट केस में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो वी जे कैप है, खुद सोचिए वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस की तरफ है और जैसा वो ट्रेजेक्ट्री दिखा रहे हैं उस ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड होनी चाहिए, फोर्स हमेशा मतलब जो डायरेक्शन दिखाया गया उसके हिसाब से फोर्स राइट साइड होना चाहिए। तो अगर हम कैलकुलेट करें एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वाले कंसेप्ट को, तो वेलोसिटी तो हमें जे कैप पे दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट का मतलब ये के कैप, और फोर्स आई कैप आ रहा है, तो अब आप खुद सोचो यहाँ पर कैसा साइन आना चाहिए, प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, प्लस या माइनस ये डिसाइड करना है आपको। तो जे क्रॉस के तो ऑलरेडी हमको पता है कि जे क्रॉस के जो है वो आई कैप आना चाहिए, जे क्रॉस के इज आई कैप और लेफ्ट साइड भी आई कैप है, तो फिर क्यू का साइन ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो प्लस साइन हो गया यानी एक ऑप्शन क्लियर हो गया, क्यू पॉजिटिव है। अब बात करते हैं बी वन और बी टू में से ज्यादा कौन सा है, तो वहां पर आप रेडियस वाला फॉर्मूला कंपेयर करो एम बी बाई क्यू बी, साफ दिख रहा है कि बी वन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की जो रेडियस है वो बड़ी है और बी टू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेडियस कम है, और रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड में इनवर्स रिलेशन है, तो बी वन लेस होना चाहिए बी टू से मैग्नीट्यूड वाइज। अब इसके आंसर क्लियर हो गए। नेक्स्ट, क्या होना चाहिए भाई, देखो इसमें एंट्री हुई है राइट साइड पर और वो नीचे मूव कर गया, राइट साइड जा करके वो नीचे आने का मतलब फोर्स फोर्स की डायरेक्शन नीचे है इस तरफ और एंट्री राइट साइड हुई है इसकी, तो और उसके बाद वो स्पाइरल पाथ होता जा रहा है यानी रेडियस कम होती जा रही है, तो एम बी बाई क्यू बी वाला कंसेप्ट लगाओ और फिर से, तो हो सकता है कि रेडियस कम होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही हो, एक पॉसिबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही हो, या फिर न्यूमरेटर में स्पीड कम हो रही हो, दो ऑप्शन है, या तो स्पीड रिड्यूस हो रहा हो या फिर डिनोमिनेटर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हो, इन दो में से कोई एक चीज हो रही है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो सिमिलर ही है, पार्टिकल लॉस्ट एनर्जी बाय आयनाइजिंग द एयर एंड पार्टिकल लॉस्ट चार्ज है, एनर्जी और चार्ज है, ओके हाँ, तो पार्टिकल लॉस्ट एनर्जी बाय आयनाइजिंग द एयर का मतलब वी कम हो गया, तो ठीक है ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मे हैव बीन इंक्रीज्ड, बी इंक्रीज कर गया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि इन दोनों से आर कम होगा। लॉस्ट चार्ज, अगर चार्ज लॉस किया होगा तो फिर रेडियस बढ़ना चाहिए था, यानी कि थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो पॉसिबिलिटी वन और पॉसिबिलिटी टू यानी कि बी ऑप्शन। 19th, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, दैट मींस कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड नॉन पैरेलल है एंड नॉन परपेंडिकुलर है, ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, यानी कि हेलिकल ट्रेजेक्टरी वाला एग्जांपल होगा ये, हेलिकल पाथ।
और हेलिकल पाथ जब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो हम सबको पता है कि जो हेलिकल पाथ बनता है वो उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के अराउंड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अराउंड। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो उसको जल्दी समझाते हैं हेलिकल वाले को। इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सेस बना करके और थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझोगे तब जा करके आप आएगा आंसर, ऐसे नहीं आएगा। ये तीनों एक्सेस ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। एक्स एक्सेस, यार क्या हो जाता है, ठीक है ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस इधर मान लेते हैं, और जेड एक्सेस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक्स एक्सेस की तरफ है, बी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है एक्स और वाई। तो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, यानी इस तरफ जो वेलोसिटी है उस पर ध्यान से देखो आप, है ना, वी नॉट है वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। तो अगर आप इसका फोर्स कैलकुलेट करोगे ना क्यू वी क्रॉस बी से, तो वेलोसिटी जे जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप, तो क्यू वी क्रॉस बी से अगर हम चेक करें कि फोर्स किस तरफ लगेगा, तो जे कैप और क्रॉस आई कैप, यानी कि माइनस के, माइनस के का मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ फोर्स आएगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा, जिसका सेंटर नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसका हेलिकल पाथ कंसिडर करके सिर्फ सर्कुलर पाथ देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर टाइम बिंग इसका सर्कुलर पाथ देखो आप। हेलिकल पाथ में तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन ओवर करेगा, स्ट्रेट लाइन इस तरफ और आगे आता जाएगा। तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो और जस्ट सर्कुलर मोशन पर अगर आप फोकस करो, अगर आप सिर्फ ये फोकस करो कि इसका एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, और थोड़ा डायग्राम को एनालाइज करने की कोशिश करो कि जो जेड एक्सिस को डाउनवर्ड अगर आप एक्सटेंड कर दो और वाई एक्सिस को इधर की तरफ एक्सटेंड कर दो, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, ये ट्रेजेक्ट्री आपको साफ दिख जाएगी, नेगेटिव वाई जेड प्लेन पर है, वाई वाई जेड के नेगेटिव साइड की तरफ है ये, और उस रिवॉल्यूशन में वाई एक्सिस की तरफ उसका जो कोऑर्डिनेट जाएगा, यहाँ पर ये वाई एक्सिस की तरफ एक कोऑर्डिनेट होगा, और इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में ये लिमिटेड होगा। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होगा प्लस एम वी अपॉन क्यू बी, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होगा माइनस एम वी नॉट अपॉन क्यू बी। ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसके। और हम लोगों ने ना इसको क्लास में भी डिस्कस किया है, फिर से बता दे रहा हूँ तुम्हें, कई बार ये डिस्कशन हो चुका है कि अगर आप एक सेट, अगर देखो क्या कर सकते हैं ना, मैं समझाता हूँ इसमें सबको हटा देते हैं एक बार। देखिए जो हमारा इस तरफ वाई एक्सिस बन रहा है और इस तरफ जेड एक्सिस बन रहा है, और अभी हमारा फोकस सिर्फ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर रहेगा, अभी अभी उस हेलिकल का लीनियर मोशन कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर वाई एक्सिस की तरफ थी वी नॉट, सर्कुलर पाथ उसका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा वाई जेड प्लेन पर, लीनियर मोशन को इग्नोर कर रहे हैं अभी। सेंटर ऑफ सर्किल यहाँ कहीं पर टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद अगर उसने थीटा एंगल से टर्न किया होगा, तो थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा होता है क्यू अपॉन एम बी, तो थीटा यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ पर अगर पार्टिकल की लोकेशन होगी, पार्टिकल पी की लोकेशन, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे वो उसका नेगेटिव जेड कोऑर्डिनेट होगा, और जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डालोगे वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो y कोऑर्डिनेट इसके लिए लिखेंगे तो वो r यानी कि एम वी अपॉन क्यू बी, ये हो गया रेडियस, और आगे साइन ओमेगा t, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। और जो नेगेटिव z कोऑर्डिनेट इसका बन रहा है, नेगेटिव z कोऑर्डिनेट माइनस z, वो r एंड 1 माइनस cos थीटा है, 1 माइनस cos ओमेगा इंटू टी, ये सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट हो गए। और जो लीनियर मोशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जहां से आएगा, वो सीधा सीधा वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टी,
तो ये कुल मिलाकर के इस तरीके से हम लोगों ने ये तीनों कोऑर्डिनेट्स नोट्स में भी डिस्कस किए थे कि हेलिकल पाथ में आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। आप पहले लीनियर मोशन को इग्नोर करो और जो सर्कुलर मोशन हो रही है उसके थ्रू कोऑर्डिनेट निकालो। लीनियर मोशन को इग्नोर करके सर्कुलर मोशन वाले कोऑर्डिनेट्स निकालो और उसके बाद जो टाइम वगैरह दिया जा रहा है इससे आप इसको पुट करके तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो कि कितने बनेंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू। नेक्स्ट, पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और इट्स वेलोसिटी एट एक्स नॉट वाई नॉट जीरो जो है उतना दे रखा है। द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इज, भी ध्यान दो, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन, मोशन स्टार्ट कर रहा है वो, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो और बाद में इसकी जो वेलोसिटी हो रही है ना, बाद में इसकी जो वेलोसिटी बाद में दी गई है वो 4i कैप माइनस 3j कैप है, तो उसका मॉडुलस निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम मैकेनिक्स का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके हिसाब से ये लगाओगे कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट मैग्नेटिक फील्ड से वर्क आता ही नहीं है, जीरो होता है ये, तो जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम फाइनल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे। और लेफ्ट साइड पर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज इंटू ई फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स डायरेक्शन है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस वाला लेंगे यानी कि एक्स नॉट यूज करेंगे, ठीक है। फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज द वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट्स ऑल, इतना ही करना था इसके अंदर। और इसका जो भी इसका आंसर है 25 दिख रहा है मेरे को कहीं पर, 25 और 2 का फिगर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए इस पे, बिकॉज वहीं पर 25 दिख रहा है। अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद देखो इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप माइनस वी जे कैप और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन अलोंग द वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट इन द वाई डायरेक्शन, तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन हुआ अभी देखो, है ना, इसको भी थोड़ा समझें अगर इसको भी, तो एक्स डायरेक्शन फिर वाई डायरेक्शन, थोड़ा डायग्राम समझने में कोशिश करिएगा, मैं जेड एक्सिस को यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होते हैं। ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया ना, एक्स डायरेक्शन एंड देन ये वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वाई डायरेक्शंस में है, तो ई भी इस तरफ है और बी भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शंस में, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू आई कैप माइनस वी जे कैप है, यानी इस तरफ एक वेलोसिटी है यू मीटर पर सेकंड में होगी मान लेते हैं, और एक माइनस वी यानी डाउनवर्ड। देखिए इसमें क्लास में ये कहा गया था कि जब ई और बी पैरेलल हो तो आप इनको वन बाय वन कंसिडर किया करो, तो अगर हम सिर्फ कंसीडरिंग बी लेंगे ना, कंसीडरिंग बी ओनली, एक अलग केस होना चाहिए और दूसरा केस कहा गया था कंसीडरिंग ई ओनली, इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करो और फिर उनको ऐड करेंगे। ई और बी पैरेलल वाले केस में वर्किंग मेथड यही होता है कि ई का अलग रोल है और मैग्नेटिक फील्ड का अलग रोल होता है, दोनों के अलग अलग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को देख लो क्या होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मतलब थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर कर दें, मतलब ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इग्नोर कर दो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इग्नोर कर दें और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर फोकस करें
तो वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट्स हैं ये मिल करके एक हेलिकल ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड करेंगे। जो यू मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगी, और ये जो वी मीटर पर सेकंड आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोवाइड करेगा, अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो। और जो सर्कुलर मोशन होगी यू मीटर पर सेकंड वाले वेलोसिटी की वजह से, उसका रेडियस m इंटू यू अपॉन क्यू भी होगा, और उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 2 पाई m अपॉन क्यू भी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा। इन्हें इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी, मैं एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री नहीं दिखा रहा हूं, बट इसकी ट्रेजेक्ट्री देखना क्या होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री रिवॉल्व करने के साथ साथ ये पार्टिकल डाउनवर्ड चलता रहेगा, रिवॉल्व करने के साथ साथ ये पार्टिकल रिवॉल्व करने के साथ साथ डाउनवर्ड ऐसे चलेगा, हेलिकल पाथ बनता रहेगा इसका। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी वी से हेलिकल पाथ को कंटिन्यू करता अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यू मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करता रहता, यू मीटर पर सेकेंड से ये रिवॉल्व करता और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चलता। ये सब कुछ तब होता जब इलेक्ट्रिक फील्ड न होता यहाँ पर तो, बट प्रॉब्लम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको अब कैसे, उसको कैसे कंसिडर करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा, वाई डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होने की वजह से ऊपर की साइड एक फोर्स एग्जर्ट करेगा क्यू इंटू ई का, और y डायरेक्शन में जो q इंटू ई की फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इस डाउनवर्ड वेलोसिटी को अब कांस्टेंट नहीं होने देगी, क्योंकि डाउनवर्ड वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स में आ गया, तो अब ये डाउनवर्ड वेलोसिटी v कांस्टेंट ना हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिड्यूस करती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डाउनवर्ड वेलोसिटी इसकी कम होती जाएगी। रिवॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिवॉल्यूशन अभी जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, मतलब रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन अभी भी उतना ही रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अभी भी उतना ही रहेगा, इन दोनों पर कोई फर्क नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक इम्पैक्ट होगा कि जो डाउनवर्ड वेलोसिटी वी है उसके अंदर रिटार्डेशन लगने लगेगा और वो रिड्यूस होती जाएगी, यानी कि ये पार्टिकल रिवॉल्व करने के साथ साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लो होता जाएगा धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आ सकता है जहां पर ये स्टॉप कर जाए, ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉप हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और स्टॉप होने के बाद एक बार जब ये स्टॉप हो जाएगा तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ इसको एक्सेलरेट करेगा, फिर ये क्या करेगा, स्टॉप होने के बाद ये फिर रिवॉल्व करेगा, लेकिन अब ये रिवॉल्व करके ऊपर की तरफ वापस चलना स्टार्ट कर देगा, फिर से ये ऊपर आना स्टार्ट कर देगा। ऐसे में ओरिजिन से कब जाएगा, ये कंडीशन पूछी गई है कि ओरिजिन से कब जाएगा ये, तो ओरिजिन से जाने की इसकी दो कंडीशंस हैं। देखिए मैकेनिक्स का मोशन इन वन डायमेंशन कंसेप्ट लगाओ, एक पार्टिकल को डाउनवर्ड वेलोसिटी वी दिया गया, उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा रहे हो क्यू ई डिवाइडेड बाय एम का, फोर्स अपॉन मास का, तो ये पार्टिकल अगर नीचे जाता है और फिर पलट करके वापस इसी पॉइंट पर आता है, नीचे जाता है और पलट करके वापस इसी पॉइंट पर आता है, तो मोशन इन वन डायमेंशन वाला फॉर्मूला लगाओगे, मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है भाई, ऊपर क्यों नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स तो लगेगा ना, ये ग्रेविटी वाला एग्जाम्पल टाइप हुआ है। ना तो ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यार, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी जब वो वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वी टाइम टी और माइनस हाफ एक्सेलरेशन क्यू ई डिवाइडेड बाई एम और इंटू टी स्क्वायर, इससे तुम्हें टाइम सॉल्व करना पड़ेगा जब वो वापस ओरिजिन पर आएगा, और ये टाइम टू टाइम्स एम इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू ई है, इतने टाइम बाद वो पार्टिकल वापस ओरिजिन पर आएगा, मोशन इन वन डायमेंशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। और उतनी देर में उसने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए होंगे, तो
तो ये जो टाइम लगा ओरिजिन पर आने में, टोटल टाइम 2m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू ई, टोटल टाइम टू कम बैक एट ओरिजिन डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, टोटल टाइम टू रिटर्न एट ओरिजिन डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि ये चीज एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे आपको। अगर ओरिजिन से स्टार्ट करके और वापस ओरिजिन पे जा रहे हो तो इसका मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशंस किए गए होंगे। सो टोटल टाइम ऑफ जर्नी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, इट मस्ट बी सम इंटीजर वैल्यू। अब जो ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है वो देख लो, इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बनेगा। नहीं जी सूरज, वेरिएबल का नहीं होगा। एक्चुअली पिच वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो आपके कंप्लीट होंगे ना। देखो अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो ना, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे एक बार फिर से देखो क्या कह रहा हूँ मैं, इसको समझने में ही प्रॉब्लम हो रही है। मेरा ये कहना है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ओरिजिन से, तो इससे अगर आप जा रहे हो तो आपका पिच रिड्यूस करे या पिच इंक्रीज करे, उससे हमें क्या मतलब है। मान लो ठीक है पिच इसकी कम होती जा रही है, पिच कम होती जा रही है, एक टाइम बाद स्टॉप हो गया, लेकिन वो परमानेंट स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप होने के बाद वो अभी ऊपर आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग रहा है ना उस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्टिकल को वापस ऊपर लेकर के आ जाएगा। अब आप उसका पिच बढ़ाओगे लेकिन वो वापस ओरिजिन पे आएगा तभी जब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पूरे पूरे करो ना आप, जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, एक सर्कुलर मोशन में अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन में आप वापस यहाँ पर आओ। अगर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ रहे हो तो ये तो या तो एक रिवोल्यूशन होगा या फिर दो रिवोल्यूशन होंगे या फिर तीन रिवोल्यूशन होंगे। सीधा सा लॉजिक लगा के देखो इसको। हाँ जी कनेक्ट, सूरज देख लो भाई इसको, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटीजर होना ही पड़ेगा और वही इसकी नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है नेक्स्ट में आएंगे और देखो ये क्लास का भी, वैसे भी पिछला क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस हो चुका था। यहाँ पर द फोर्स ऑन द वायर सी डी, अभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो क्या है, हालांकि ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि जो लॉन्ग वायर आई वन है इसका मैग्नेटिक फील्ड इन साइड डायरेक्शन में है और यहाँ पर भी इन साइड डायरेक्शन में है। अगर हम बीच में कोई पी पॉइंट दे दें तो सीपी जो है, सीपी आप ये फोर्स का फॉर्मूला लगाओ आई एल क्रॉस बी वाला, आई एल क्रॉस बी, तो इसके हिसाब से वायर सीपी के लिए एल वेक्टर की डायरेक्शन सी से पी की तरफ, एल वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो जब आप इसको वेक्टर लॉ लगा करके क्रॉस प्रोडक्ट चेक करोगे तो सीपी का फोर्स कुछ इस तरफ आएगा, ये फोर्स आएगी सीपी के ऊपर। और यही चीज जब हम लोग वायर पी से लेके डी तक की बात करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ आएगा, फोर्स ऑन द वायर पी डी। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये फोर्सेस बराबर नहीं होंगी। लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, तो वायर सी पी जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी स्ट्रांग होगा और वायर पी क्यू पर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी लेस होगी। तो फोर्सेस तो ठीक है इस तरीके से और इस तरीके से लगेंगे, लेकिन ये ज्यादा फोर्स इस तरफ है और इस तरफ लेस फोर्स है, तो ये कैंसिल आउट कभी नहीं करेंगे। मतलब अगर हम इनको रिजॉल्व भी कर लेंगे तो भी हमारे को रिजल्टेंट का एक लेफ्ट साइड कंपोनेंट जरूर आएगा, मतलब इस तरफ एक फोर्स आनी ही चाहिए लेफ्ट साइड, और उसके अलावा एक वर्टिकली अपवर्ड साइड भी फोर्स आनी चाहिए। इनको अगर आप रिजॉल्व भी करोगे तो फोर्सेस के अनइक्वल मैग्नीट्यूड होने की वजह से इनके हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे और एक लेफ्ट साइड फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा और एक अपवर्ड साइड फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी, तो इनके बीच में कहीं इनका रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा, नेट फोर्स इनके बीच में कहीं काम करेगी। और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है जो सेटिस्फाई कर रहा हो इसको, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर।
इसके अंदर 23rd में डिस्क पे दोनों तरफ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये हाफ डिस्क जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में और हाफ डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। तो इसमें भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, टॉर्क वर्क लगेगा या नहीं लगेगा ये सब देखना है। तो जो लेफ्ट साइड वाला पोर्सन है यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और राइट साइड वाले पोर्सन पर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, बट इसमें फोर्स लगेगा नहीं। रीजन, जो राइट वाला पोर्शन है अगर उसके आप किसी भी चार्ज को देखो, तो अगर हम उसका एक आर्क ले लें, उसमें चार्ज का एक आर्क कंसिडर करूं, उसमें ना चार्ज की एक आर्क लिखूं, और जो ओमेगा दे रखा है तुम्हें, उस ओमेगा के हिसाब से उस आर्क का जो करंट होगा, राइट वाले हाफ डिस्क में एक एलिमेंट्री आर्क लेंगे, उस एलिमेंट्री आर्क में ओमेगा के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन दी गई है, आई इस तरफ होगा करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अब आप लॉजिक क्या लगाओगे, तो लॉजिक बताते हैं। ये जो आर्क है इस पर फोर्स निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आई एल क्रॉस बी वाला, और उसमें एल होगा वेक्टर ज्वाइनिंग फ्री एंड्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अगर इस आर्क के फ्री एंड्स को मिलाते हो आप, इस आर्क के फ्री एंड्स को मिलाओगे तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी, इसके फ्री एंड को मिलाओ तो डाउनवर्ड फोर्स आएगा। इस आर्क के फ्री एंड्स को मिलाने पर एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, यानी कि एल वेक्टर भी डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है, ये तो पैरेलल हो गए, और पैरेलल होने की वजह से फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई। एंड देन अब आप इसका ऑप्शन चेक कर लो क्या बनेगा, फोर्स की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम स्पीड बट एट एंगल्स 30-60, बहुत अच्छी बात है। और ए बी सी उनका टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड 2πm/qb, उसका स्पीड से कोई मतलब नहीं है, टाइम पीरियड 2πm/qb। तो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, सेम स्पीड है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, एंगल्स का फर्क है, तो एंगल तो टाइम पीरियड में वैसे भी यूज नहीं होता, तो ए हमारा इतना हो गया। बी एंड सी मतलब ए बी सी बी द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, तो 2πm/qb डिवाइडेड बाय रेशियो लेना है, तो दूसरे पार्टिकल के लिए भी सेम डेटा आएगा, तो टाइम पीरियड का रेशियो करने पर तो 1 आएगा, यानी a इक्वल टू 1 हो गया। b रेशियो है उनके रेडियस का, तो रेडियस m वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और डिवाइडेड बाय qb, तो वेलोसिटी का अगर रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो रेडियस तो इतना ही होता है, तो रेडियस पार्टिकल वन के केस में एम वी साइन 30 होगा यहाँ पर अपॉन qb, और रेडियस पार्टिकल टू का निकालने पर एम वी साइन 60 अपॉन qb। अब इनका रेशियो फाइंड करके b निकालो, b इज r1/r2, तो भी तुम्हारी वैल्यू बन जाए, ये 1/√3 आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम है, बी की वैल्यू। और पिच, तो पिच के लिए फॉर्मूला ये होता है, इट इज टाइम पीरियड एंड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी व्हिच इज पैरेलल टू बी, तो इट इज टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, यानी वी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट होगा, तो पिच 1 डिवाइडेड बाय पिच 2, तो टाइम पीरियड दोनों का सेम है, स्पीड दोनों की सेम है, तो ये कॉस थीटा का रेशियो बनेगा, यानी कि कॉस 30 डिवाइडेड बाय कॉस 60, ये √3 आ जाएगा, और ये हमारा थर्ड वैल्यू सी हो गई, तो सी की वैल्यू √3, बी की वैल्यू 1/√3 और ए की वैल्यू 1, विच मीन्स कि ए बी सी की जो वैल्यू होगी, ए बी सी वो 1 के बराबर आ रहा है, यानी ए इक्वल टू बी सी, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो आएगा ये बन रहा, ठीक है। चलो हो गए आपके सारे क्वेश्चंस, हो गए 24 क्वेश्चन थे, वो सारे डिस्कस हो गए,
अब इसके बाद आप लोग मैसेज कर देना जो भी आंसर्स का होगा, ठीक है? इसको भी एंड कर रहे हैं मीटिंग को यार। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।